तुम आज अभी इसी वक्त जाकर उससे माफी मांगोगी। माफी? और मैं संभाल ही नहीं पैदा होता। कैसे वाहियात क्लाइंट्स हैं आपके? अगर आइंदा आपने मेरी ऐसी घटिया लोगों के साथ मीटिंग रखी तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करूंगी, उसी वक्त रिजाइन कर दूंगी। बैठे। पानी पियेंगी? नो थैंक्स सर, मैं आपसे लास्ट टाइम कह रही हूँ कि मैं इस तरह के लोगों से मीटिंग्स नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कितना बड़ा नुकसान किया है तुमने मेरा? वो मेरी कंपनी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने आया था और तुम्हारी बदतमीजी की वजह से वो डील कैंसिल करके जा रहा है। तुमने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तुम समझती क्या अपने आप को? कल रात उसकी फ्लाइट है, वो वापस चला जाएगा। तुम आज अभी इसी वक्त जाकर उससे माफी मांगोगी। माफी? और मैं संभाल ही नहीं पैदा होता। और मैं अपने आप को जो भी समझती हूँ ये आपका मसला नहीं है। ऐसा घटिया शख्स जिसको खवातीन से बात करने तक की तमीज नहीं है, मैं इससे दोबारा नहीं मिलूंगी। और माफी तो दूर की बात है, जैसी बेहुदा गुफ्तगू उसने मुझसे की है मैं उसके मुंह पर थूकूं ही ना। तुम अपने आप को समझती क्या हो? डिग्री है नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। मैंने तुम पे एहसान किया, तुम्हें कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे हायर किया, तुम ये कर रही हो मेरे साथ? मेरा इतना अच्छा क्लाइंट खराब कर दिया तुमने। कितना नुकसान हुआ है आपका बताएं? मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं सूद समेत सारी रकम लौटा दूंगी। मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप? सारा एहसान हयात हूं मैं। जिन 2 लाख रुपए के लिए आप मुझे इन टके टके के लोगों से मिलने पर मजबूर कर रहे हैं, मेरे बाबा के ऑफिस में जूतियां चटखाते हैं लोग। ये रहा मेरा डेजिग्नेशन, अभी इसी वक्त आपकी जॉब को ठुकरा कर जा रही हूँ। और जो कानूनी कार्रवाई करनी है ना, कर लीजिए। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तुम जानती नहीं हो तुमने किससे टक्कर ली है। आप भी नहीं सोच सकते कि मैं आपको कैसा जवाब दे सकती हूँ। फॉरन मेरा फ्लैट खाली करो, आधा घंटा भी नहीं रह सकती तुम वहाँ। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.